अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और किसी ने मुझसे पूछा ये ई सिम क्या होती है, और मैंने कहा यह भविष्य है। सो ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम। मतलब ये है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी में आपके हाथों में मौजूद नहीं रहेगा, यह इंटीग्रेटेड रहेगा आपके हार्डवेयर के अंदर में, आपके चिप के ऊपर। अब आपके स्मार्टफोन में पहले से सिम कार्ड मौजूद रहेगा, जिसके वजह से फिजिकल क्वांटिटी में आपको बाहर से कोई भी सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये आएगा कि अगर ये ई सिम कोई फिजिकल क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है एंड ये एम्बेडेड है हमारे चिप के ऊपर में, तो आखिर इसका फ़ायदा क्या है? ये नुकसान तो नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में कोई चीज़ अवेलेबल है तो आप उसे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसमें कुछ नंबर्स को सेव भी कर सकते हैं, तो फ़ोन स्विचिंग वगैरह के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप इन एडवांटेजेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो आपको ई सिम में बहुत सारे एडवांटेजेस भी नज़र आएंगे। जैसे कि जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है, क्योंकि आपका सिम आपके फ़ोन के अंदर में रहेगा तो अगर कोई चोरी करता है तो आसानी से वो आपके सिम को बाहर नहीं निकाल पाएगा, एंड आप अपने फ़ोन को ईजिली ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर आपका फ़ोन कहाँ पे है, बिकॉज वो फ़ोन हमेशा आपके सिम से रजिस्टर्ड रहेगा। उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है, ये ईजिली स्क्रैच नहीं हो सकता, बिकॉज आपका जो पुराना सिम है वो बार बार सिम ट्रे में लगाने निकालने के चक्कर में स्क्रैच हो जाती है, कई बार काम करना बंद कर जाती है, तो ये इस चीज़ से पूरी तरह से बचा हुआ रहेगा क्योंकि आपका सिम ऑलरेडी सिस्टम के ऊपर रहेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो नॉर्मल सिम होता है उससे ज़्यादा अच्छी आपको नेटवर्क मिलेगी, ज़्यादा अच्छा आपको स्पीड मिलेगा, ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलेगा ई सिम में। बट दोस्तों, ये जो सारे के सारे मैंने अभी बेनिफिट्स बताए हैं ये काफ़ी नॉर्मल और सिंपल सी बेनिफिट्स हैं। जो ई सिम का बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो अगर बात कर ले मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, तो आपकी फ़ोन जब बनाई जाती है तो उसमें कोशिश किया जाता है कि आपका फ़ोन कम से कम स्पेस ले। तो क्योंकि ई सिम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो हमारा नैनो सिम होता है उससे ये 3 गुना ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से आपको कोई स्पेशल अलग से जगह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो चिप पर बहुत ही ईजिली फिट हो जाएगा। साथ ही साथ सिम को बनाने के लिए आपको हमेशा कॉर्नर में जगह चाहिए होता है जिसमें आप सिम ट्रे को लगा सके, तो ये कॉर्नर का जगह भी खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेस मिल सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कैमराज ऐड करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर में स्पेसिफिकेशंस या बैटरी ऐड करने के लिए। एक और एप्लीकेशन ये है, क्योंकि आपके फ़ोन को धीरे धीरे पोर्टलेस बनाया जा रहा है ताकि आप अंडर वाटर भी फ़ोन को इस्तेमाल कर सके, वाटर प्रूफ हो सके, डस्ट प्रूफ हो सके, इस वजह से भी ये सिम ट्रे का चले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, एंड इसलिए भी ई सिम बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ई सिम के साथ में 5G का इंटीग्रेशन वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया आ रही है, एंड इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्ल्ड होगा वो पूरी तरह से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आता है दोस्तों ई सिम। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिम है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक से ज़्यादा सिम एक ही नंबर में ले सकते हो। तो अगर आपके वॉच में भी ई सिम आता है तो आप उसमें भी राइट कर सकते हो अपने नंबर को, अपने फ़ोन में भी अपने नंबर को राइट कर सकते हो, अपने स्मार्ट IoT डिवाइसेस में भी अपने नंबर को राइट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो आप चाहो तो डायरेक्टली अपने वॉच से पिकअप कर सकते हो या फिर अपने फ़ोन से पिकअप कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ID एक रहेगी लेकिन यूज़ केसेस अलग अलग जगह पर रहेंगे, एंड उसके लिए कोई भी बीच में आपको ब्लूटूथ के कनेक्शन का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने सिम से ही हर एक डिवाइस को कनेक्ट रख रहे हो नेटवर्क के जरिए में। और कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में एक सिम है या दो सिम है एंड उसकी नेटवर्क चली जाती है, आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की नेटवर्क वहाँ पे रहती है। तो अगर आपके पास ई सिम रहेगा तो आप किसी भी नेटवर्क पे इजीली स्विच कर पाओगे, अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है अलग अलग सिम कार्ड को। ये जो ई सिम है आपको सिर्फ और सिर्फ राइट करनी है, क्योंकि जो ई सिम की मेमोरी होती है वो प्रोग्रामेबल होती है, आप उसे राइट कर सकते हो, उसमें अपने ID को रजिस्टर कर सकते हो। तो मान लीजिए आप किसी एयरटेल के सिम को चला रहे हो ई सिम में, एंड आपका एयरटेल का नेटवर्क गायब हो जाता है, आपको चाहिए जियो का सिम, तो आप इजीली एयरटेल से जियो में स्विच कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कुछ बटन के टैप्स की मदद से। अगर एयरटेल जियो में दोनों चला जाता है तो आप इजीली वोडाफोन में स्विच कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ टैप की मदद से। जी हाँ, आपके पास सिम का लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अलग अलग कंपनी में, लेकिन इस तरह से आप एक साथ में ढेर सारे कंपनी के सिम भी यूज़ कर सकते हो एक ही फ़ोन में, एक ही सिम के मदद या दो ही सिम के मदद से।
इतनी सारी जो बेनिफिट है इसके वजह से मैं कहता हूँ कि ई सिम इज़ द फ्यूचर एंड ई सिम प्लस 5G एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में आपको ले जाएगी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसका कंसर्न भी रहता है, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को प्राइवेसी की अपनी चिंता रहती है। मतलब अगर हम अपने सिम कार्ड को बाहर नहीं निकाल सकते तो गवर्नमेंट एजेंसी अगर आपको ट्रैक करना चाहेगी तो वो ईजिली आपको कर लेगी, आपका लोकेशन पता कर लेगी कि आप कहाँ पे है। बिकॉज अगर आप कोई कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपके पीछे कोई पड़ा हुआ हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी पड़ा हुआ हो, FBI वाले पड़े हुए हो, तो आप सिम निकाल करके फेंक देते हो कि आपको ट्रैक ना किया जा सके। लेकिन ऐसे केस में आप नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा अपना फ़ोन ही फेंकना पड़ जाएगा। एंड दैट इज़ रियली अ कंसर्निंग थिंग, बिकॉज इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच हो सकती है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लर्निंग कर्व है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे कुछ टैप्स करके सिम कार्ड को चेंज करने का। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम लोग सिम को इसमें रजिस्टर करें, क्योंकि फिजिकल सिम आप सिर्फ ट्रे खोलते हो और लगा देते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा लर्निंग कर्व तो होगा जो कि आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा जो सिम है वो काम करेगा हमारे फ़ोन में, किस तरह से हम लोग नेटवर्क को स्विच करेंगे, किस तरह से बदलेंगे, किस तरह से हम अपने स्मार्ट वॉच को उस सिम से कनेक्ट करेंगे, किस तरह से अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, हर एक चीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो जब ये लर्निंग कर्व पूरा हो जाएगा और धीरे धीरे ह्यूमंस इवॉल्व कर जाएंगे और सीख जाएंगे, तो फिर इसका जो एप्लीकेशन होगा वो पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगा। एंड ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब फ्यूचर आएगी, जब न्यूरल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जब आप अपने ब्रेन से टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना शुरू कर जाएंगे, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो ई सिम आपके ब्रेन में इंटीग्रेट किया जाए एंड डायरेक्टली आप उसी से कॉल पिक करें। ज़्यादा हो गया क्या? बट इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। एंड एक बार ये हो जाएगा तो लोग कहेंगे अच्छा यही टेक्नोलॉजी थी। सो आई होप दोस्तों कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और एक फ़ायदा बताना मैं भूल गया, अगर आप विदेश जाते हो, फॉरेन जाते हो, तो आपको अलग से सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली आप ई सिम के ऑप्शन में जा करके वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हो किसी अदर नेटवर्क का जो उस देश में अवेलेबल होगी, एंड टेम्प्रोरी दोस्तों उस सिम को यूज़ कर सकते हो जब तक आप विदेश में हो। यानी कि आपकी ट्रैवलिंग, आपका हनीमून ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, सिम कार्ड के लिए आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली दोस्तों नेटवर्क को स्विच कर पाओगे। सो, आज का वीडियो बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो पसंद आई और अगर आपको समझ में आया कि ई सिम क्या है, कैसे काम करेगा, इसका क्या बेनिफिट है, क्या है प्रोज और क्या है कंस, तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।